Namaste. Welcome to Akanksha Desire for Wellness and welcome back to Bhavani Swaminathan's Nutritious Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्थी स्नैक, आफ्टरनून स्नैक या इवनिंग स्नैक, जिसे आप जार में भर के एक महीने तक भी रख सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी है और हर एज ग्रुप के लोग इसे खा सकते हैं। हमें चाहिए मुरमुरा, सेंगदाना, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी तेल, नमक स्वाद अनुसार, धनिया को हमने दरदरा पीस लिया है और जीरा को भी दरदरा पीस लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, हमने इसमें ऑयल डाला, तेल गरम होते ही जीरा इसे थोड़ा भून लेंगे, इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। सेंगदाना मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट किया था, ड्राई रोस्ट पहले अगर आप करके रखते हैं तो और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से आप मिक्स करते जाए हल्का ब्राउन होने तक, थोड़ा सा धनिया जो हमने दरदरा पीस के रखा है उसे भी डाल लें और थोड़ी सी हींग। मैंने इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है और अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, आपको अगर एकदम ब्लैंड नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा उसमें या तो तीखा लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, इसमें हम मुरमुरा मिक्स करेंगे और अब गैस बंद करके आप इसे अच्छी तरह से चला लें। अब इसमें नमक भी ऐड कर लें, ये देखिए एक अच्छी खुशबू आने लगी है। इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी जब आपको भूख लगे दोपहर में शाम में तो इसे खा सकते हैं।